अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल रऊफ़, और मेरे साथ आप देख सकते हैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। आज एक हसास मौजू पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बुरख़े को लेकर। जी शाहिद भाई, हाल ही में गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक वाकया पेश आया था बुरख़े को लेकर। पुलिस ने एक घर पे रेड किया था और वहाँ से चंद बुरख़ापोश ख़वातीन, वहाँ से उनको पकड़ा गया। नहीं, दरअसल मामला अब्दुल रऊफ बुरख़े को लेकर नहीं है। जी जी, यहाँ पर दरअसल जो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी वो औरतें, जी जी, उस एरिया में, वहाँ पर इन लड़कियों को जो गिरफ़्तार किया गया वो बुरख़े में थी। जी, तो उस बुरख़े को लेकर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। जी, दुनिया भर में इस तरह के तो जिस्म फरोशी के काम होते रहते हैं, मगर यहाँ जो बुरके में जो ख़वातीन देखी गई उसी को हाईलाइट करने के गर्ज से ये मीडिया इस चीज़ में पेश रह रहा है। जी, वैसे तो बुरके का नाम आए दिन बदनाम ही किया जा रहा है शायद भाई। नहीं, हर जगह ऐसे ही हो रहा है, इसी पेशे में बोल के नहीं है। जी, कई आप देखेंगे नॉन मुस्लिम जो है बुरका पहन के भीख मांगती हैं। जी हाँ, आए दिन वीडियोस भी हमने देखा है, टोपी पहनकर भीख मांगते हैं। जी जी, तो बहरहाल ये एक जो बुरका या टोपी हो गया, एक मखसूस तबके को बदनाम करने की एक ज़माने से, अभी ज़माने से बोल सकते हैं, लेकिन आए दिन अभी जब से ये हालात हमारे मुल्क के तबाह हुए हैं, जी जी जी, बीजेपी की हुकूमत आने से, जी, और जी, लोगों के दिलों में जो जहर भरा जा रहा है मजहब के खिलाफ में, या मासूम आवाम के दिलों को जो ख़राब करने के गर से जो साजिशें रची जा रही है, या ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की न्यू जनरेशन को तबाह करने के गर से ये काम हो रहा है। आए दिन हर जगह ये बुरख़े को लेकर इश्यूज क्रिएट किया जा रहा। क्या लगता है शायद भाई आपको, क्या इनके पीछे एक आईटी सेल का काम है ये, जो है ना, इसको बदनाम किया जाए? हाँ, ऐसे ही है, कई सारी लड़कियों को जो है एग्जामिनेशन में उनका बुरका उतारने पे, कर्नाटक में भी हाल ही हमको देखने में मिला है, बुरका उतारने पे किया जाता है, कभी कभी स्कार्फ उतारने पे किया जाता है। हालांकि ना बुरका उतारने से कुछ होने वाला है, अंदर तो जिस तरह से कपड़े पहनी हुई होती हैं लड़कियाँ या औरतें, उसके ऊपर एक बुरका होता है। जी, और स्कार्फ ऐसा होता है कि भाई चाहे आप बुरका स्कार्फ पहनो या नहीं पहनो, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, उसके लिए एक सेल्फ प्रोटेक्शन। हाँ, बस एक एक ये है कि हाँ, एक ये है कि एक तबके की एक निशानी समझ लो, या कई आप नॉर्थ में चले जाएंगे, राजस्थान या कई कई इलाकों में, वहाँ पर औरतें जो है अपनी साड़ी से अपने चेहरे को कवर करती है। हाँ, जैसे कि हमने देखा मारवाड़ी ख़वातीन जो होती है, पूरा जिलबाब अपना जो है ना, यहाँ सर से पूरा चेहरे तक ढापी हुई रहती है। बराबर बराबर। जी जी जी, तो शायद आपको क्या लगता है, जो ख़वातीन इस तरीके के काम में उतर आती है, ये क्या उनकी मजबूरी होती है, या फिर ये लोग अपने जिस्म फरोशी का क्या शौक से ये लोग करते हैं, या फिर इनके पीछे कुछ नहीं, मजबूरी उजबूरी कुछ नहीं होती है। ये जो औरतें जो है बड़ी हसास, यानी हसास समझ लीजिए, या इस तरह का उनका कैरेक्टर होता नहीं है नेचुरली, कुदरती तौर पे औरतों का। जी जी, ये माहौल, जिस माहौल में औरतों का उठना बैठना होता है, या समझ लीजिए शौकिया तौर पे भी बाज़ औरतें ऐसी होती है, मगर ये मजबूरन औरत जो है इस पेशे को अख्तियार करना जिस्म फरोशी के, बहुत ही, यानी उन अपने दिल को मार के बोलते ना, वो उस तरह से इस तरह इस पेशे में आती है, वरना औरत ज़ात में इस तरह के शर्म हया है कि वो गैर मर्द के साथ अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी, शर्म एक हया, शर्म हया जो होती है एक ईमान का जुज़ होता है। बराबर जी, तो आपका बताने का मतलब यही है कि जो हयादार पर्देदार जो अपने अंदर जो हया रखती है, वो औरतें कभी ऐसे काम नहीं करें। और शायद भाई देखने में भी आ रहा है, आए दिन हमारे टीवी सीरियल्स भी ऐसे हो गए हैं, यानी गुनाह को गुनाह बताकर पेश नहीं किया जा रहा। जी, वो एक कॉमन सी चीज़ है भाई, कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप जिसको रिलेशनशिप का नाम दिया जा रहा है, और ये है कि आजकल इंडिया में भी इसी तरह का ट्रेंड बन गया है कि शादियां नहीं करके लोग जो है रिलेशनशिप में, अंडर रिलेशनशिप में, हाँ राइट, अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जी जी जी,
तो आप इसको कैसा देखते हैं शायद भाई? देखेंगे क्या इसमें, तो अभी तो तबाही का, इसमें कोई भी मजहब हो, यानी गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं जा रहा जी, गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं, और माहौल इस तरह का हो गया कि ये चीज़ जो है गंदगी फैशन में तब्दील हो गई। अच्छा, यानी वेस्टर्न कल्चर का पूरे असरात हमारे अंदर पड़ रहे हैं अभी। हमारे हम जो किसी भी मजहब को ले लो आप, इस चीज़ को बहुत ही मायूब समझा गया। जी जी, ये चीज़ बड़ा ही मायूब है। और कई कई औरतों से जब हम इस तरह से धंधा करते हुए पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं भाई हमको घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, हम बड़ी मजबूरी से इसमें आए हैं। भाई आप मजबूरी से आए या नहीं, तो उसमें आप किसी और पेशे को भी लेके काम कर सकते हैं। जी, कई औरतें क्रॉस क्वेश्चन करने पे ये भी बताई कि भाई वहाँ के मर्दों की निगाहें अच्छी नहीं थी, तो अब ये क्या निगाह आप जो अपने आप को इस धंधे में लेके आके कर रहे हैं। जी जी, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जॉब हैं जहाँ पर आप अपनी इज्जत को महफूज रख सकते हैं। शायद भाई ये भी बात बताया जा रही है कि जो है ना बास ख्वातीन, हम पूरे ख्वातीन को तो ये नहीं कहेंगे, बास ख्वातीन का ये भी कहना है कि हमारे घर में मर्द हजरात जो होते हैं वो एकदम आलसी और सुस्ती काहली, काम करने उनको हाथ नहीं होता और देर रात बाहर फिरते हैं, आकर दिन में सो जाते हैं, और कमाने को जब उनको कहा जाता है तो लड़ाई झगड़े फसादात मचते हैं, तो मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ता है क्योंकि हमारा घर भी चलना है, बाल बच्चे भी हैं उनको भी देखना है, घर के किराए वगैरह ये तमाम चीज़ें बोझ खवातीन अपने घर अपने खांधों पर डालकर इस किस्म के जो है ना गुनाह के काम पर निकल रही हैं। तो क्या ये एक नज़रिया हम मर्द हजरात को भी, एक बात और एक मेरे जहन में आ रही है अब्दुर्रौफ जी जी, कि भाई ये इस धंधे में डाल ले रही हैं जी, हालात उनको जो है मजबूर, हालात जो है उनको, जैसे अभी आप बताए कि भाई आलसी उनका शौहर आलसी है, कमाने के काबिल नहीं है, घर में अपना वक्त बैठे रहता है, या ये समझ लीजिए कि भाई वो बीवी के पैसों पे आयश करना जानता है, और मगर ऐसे वक्तों में होता ये है कि औरत जो है एक हमदर्दी चाहती है, इंसान वो भी एक इंसान है, किसी न किसी से अपने लिए एक हमदर्दी का कोई भी एक शख्स हो या अपना काम जहाँ पर वो काम कर रही हो या जो भी कर रही हो वहाँ पर कोई एक अगर हमदर्द मिल गया ना, तो उस हमदर्दी में जो है वो आके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। हाँ शायद भाई ये भी देखने में बहुत सारे हजरात जो है ना नशे में चूर होते हैं, जब भी वो काम करते हैं जो भी पैसा आया घर को लेके जाना छोड़कर जो है ना बाहर ही उसको नशे में टुल होकर अपने घर आते, तो ख्वातीन इस किस्म के जो है ना स्टेप उठाती है मजबूर औरतें भी। हाँ जी, क्योंकि औरत का नाम ही बड़ा हसास होता है, औरत मतलब सेंसिटिव होती है वो। जी जी जी, उसके उसके वो चाहती है कि भाई कोई केयर करने वाला आदमी हो, तभी इस चीज़ को वो जल्दी किसी की बातों पे जो है ना आ जाती है और जल्दी उन पे भरोसा करना स्टार्ट कर देती है। बराबर जी, तो कहीं ना कहीं इसमें मर्द हजरात की भी कमजोरी है। मर्द हजरात की भी कमजोरी है क्योंकि जैसे ही शायद भाई माजरा चाहता हूँ आप गुरु का, जैसे ही कहा गया कि अर्रिजालु खवामून अला निसा, मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है। जी बराबर जी, तो वो घर की देखभाल करता है, बच्चों की देखभाल करता है, और पूरा उसके ऊपर जो है ना एज ए वो एक कमांडर की तरह जो है ना घर को लेकर चलता है। जब कमांडर ये सुस्त पड़ जाए, कमाने ना लगे, जो है एक ऐसे तबके से था जो इन्हीं औरतों को, अपने तबके के औरतों को लेके ये सारा कारोबार कर रहा था, मगर वो तो बहुत सारे आप जगह जगह देख लेंगे ये सारे कारोबार इसी तरह से चलते हैं, मगर एक बुरका वहाँ पर ऐसी चीज़ थी जिसको हाईलाइट करने के लिए मीडिया जो है अपनी ऐसी दौड़ लगाया कि वो हर आदमी चाहता था कि भाई इस दौड़ में हम भी शामिल हो जाएं। बस जी, आखिर में शायद भाई खुलासे कलाम एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या रहेगा इसको लेकर? कुछ नहीं, बस ऐसा ही चलता रहेगा जब तक हम इस चीज़ को, हमारी औरतें भी जो है, चाहे मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये पेशा इख्तियार करो, मगर अपनी औरतें भी जो है अपनी, मैं अपनी ख्वातीन से ये गुजारिश करूँगा, अपनी बहनों से, कि भाई इस चीज़ को जो हमारे तबके को जिससे हमारी आइडेंटिटी मिलती है उस चीज़ को हाईलाइट ना करें। जी बस जी,
जी नाज़रीन, आखिर में यही पैगाम रहेगा शायद मोहम्मद शाहिद हुसैन साहब की जानिब से और हमारी जानिब से भी यही पैगाम रहेगा कि आप लोग जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म के मुताबिक आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजारिए, और मर्द हज़रात को भी चाहिए कि वो अपने घर का ख़वाम बन के घर की जिम्मेदारियों को संभालें, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उसको आप पूरा करें। अपनी ख़वातीन, बच्चे, माँ और बहनें, जो भी आपके घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आपको निभाना है उस पर आप पूर तरीके से उसको आप लोग पूरा करें, ताकि ये हादसात होने से जो है ना रोका जाए।